दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ, जबकि अगर पाकिस्तानी दस्तावेजों की माने तो उनके जन्म की तिथि 17 अक्टूबर 1935 दर्ज है। भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में उन्होंने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया। वे शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान से दिल्ली आ गए और अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। इस हादसे ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ समय बाद वे दिल्ली के शाहदरा इलाके की एक पुनर्स्थापित बस्ती में रहने लगे। एक दिन उनके एक अन्य भाई मलखान सिंह ने उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए सलाह दी और इसके लिए उन्हें काफी प्रेरित किया। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे सेना में सेवा देंगे। कई बार प्रयास के बाद 1951 में सेना में भर्ती हो गए। वे दौड़ने में काफी तेज क्योंकि वे बचपन में घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और सेना में भर्ती होने के समय क्रॉस कंट्री रेस में छठे स्थान पर रहे थे। इस प्रदर्शन के कारण सेना में उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। मिल्खा जी ने वर्ष 1962 में पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल कप्तान निर्मला कौर जी से शादी कर ली। उनके एक बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर गोल्फर हैं, जिनका नाम जीव मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह ने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर एवं 400 मीटर की दौड़ में खुद को स्थापित किया। उन्होंने 1956 के ओलंपिक में 200 व 400 मीटर की दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अनुभव की कमी के चलते असफल रहे। वर्ष 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मिल्खा सिंह जी ने राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1958 के एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। 1958 के एशियाई खेलों के शानदार प्रदर्शन के चलते सेना ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। बाद में उन्हें पंजाब के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया था। उन्हें सेना ने प्रमोशन के तौर पर कमीशन्ड ऑफिसर बनाया था और इसी पद पर मिल्खा सिंह वर्ष 1998 में रिटायर्ड हुए। उन्हें फ्लाइंग सिख का उपनाम पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने दिया था। आपको बता दें कि 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में 40 सालों के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा था, लेकिन पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए और कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सन 2012 में उन्होंने रोम ओलंपिक 1960 में पहने अपने जूतों को एक चैरिटी संस्था को नीलामी में दे दिया। उनके द्वारा जीते गए मेडल्स को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था। बाद में पटियाला के एक गेम्स म्यूजियम में ये मेडल ट्रांसफ़र कर दिए गए। उन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सिर्फ 1 रुपये में अपनी जीवनी देकर फिल्म बनाने की परमिशन दी थी। 2001 में मिल्खा सिंह ने यह कहते हुए अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया था कि उन्हें 40 साल देरी से दिया गया है। उन्होंने अपनी बेटी सोनिया संबलका के साथ मिलकर अपनी बायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी। इसी बायोग्राफी पर बेस्ड फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल किया था अभिनेता फरहान अख्तर द्वारा। इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले। 20 मई 2021 को 91 साल के मिल्खा सिंह जी कोविड-19 बीमारी से संक्रमित पाए गए। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश 18 जून 2021 को उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक का माहौल है। हम देश के गौरव श्री मिल्खा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें। जय हिंद।